आम तौर पर शनि महाराज को या फिर शनि महाराज का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में बुरे बुरे विचार आने लगते हैं कि पता नहीं अब क्या हो जाए। हमारे ग्रह जो हैं शनि देव, उनका हमारे कुंडली में अगर हम आगमन सुन ले या फिर हम ये सुन ले कि हमारे ऊपर शनि की साढ़े साथी या फिर ढैया या फिर हम कहें दृष्टि भी है, तो भी हमारे दिमाग में एक क्रूर व्यक्ति वाली या फिर एक क्रूर ग्रह वाली जो मन में बातें हैं वो आने लग जाती हैं कि पता नहीं अब हमारी राशि पर या हमारे जीवन पर क्या असर पड़ने वाला है। तो आइए आज इसी के बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि शनि देव साल 2020 में यानी कि नए साल में हमें कैसे शुभ और अशुभ परिणाम देने वाले हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि शुभ और अशुभ प्रभाव किस किस पर है, और अगर आपको ये भी नहीं समझ में आता है कि किसके ऊपर है, कैसे है, बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारे ऊपर है या नहीं है, हमारे ऊपर बुरा प्रभाव है, अच्छा, तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि किन संकेतों से आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने घर बैठे ही आप पहचान सकते हैं कि आपके ऊपर शनि का प्रभाव है या नहीं है, या फिर शनि आपके लिए शुभ है या फिर अशुभ है। अब आप ये खुद घर बैठे ही जान पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो आइए जानते हैं। मेरे चैनल एस्ट्रो रिया शर्मा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टैप करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, मैं रिया शर्मा आपका अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करती हूं। और आज हम बात करने वाले हैं शनि देव स्पेशल के बारे में कि शनि देव जो हमारे ऊपर प्रभाव होता है वो शुभ और अशुभ कैसे होता है, हमें कैसे पता चलता है कि शनि देव का प्रभाव हमारे ऊपर शुभ है या फिर अशुभ है। क्योंकि सभी लोग तो कुंडली देख नहीं पाते हैं, लेकिन हमारे शरीर में, हमारी दिनचर्या में या फिर हमारे जीवन में होने वाली घटनाएं हमें बता देती हैं कि हमारे ऊपर शनि का शुभ या फिर अशुभ प्रभाव है या नहीं। शनि देव को सभी लोग एक क्रूर ग्रह के नाम से मानते हैं या फिर वो ये मानते हैं कि शनि देव सबका अशुभ ही करने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। शनि देव हमेशा अशुभ फलदायी नहीं होते हैं, क्योंकि शनि देव न्याय के देवता माने जाते हैं। स्वयं भगवान शंकर भी शनि देव की इस न्यायाधीश से नहीं बच पाए थे, इस न्याय से शिव शंकर भी नहीं बच पाए थे। तो आज आइए जानते हैं कि शुभ और अशुभ आपके जीवन में आप खुद कैसे जान सकते हैं। और शनि की दशा अगर आपके ऊपर अच्छी है तो शनि देव आपको संपन्न बना देंगे। नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे तब उनके ऊपर भी शनि की दशा जो है वो चल रही थी। इसलिए शनि देव कभी भी बिना मतलब का नुकसान किसी को नहीं पहुंचाते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके कर्मों का न्याय आपको प्रदान करते हैं। और हम उस सच को अपनाना नहीं चाहते हैं कि वो हमारे साथ न्याय कर रहे हैं। अगर शनिदेव आपकी कुंडली में बहुत अच्छे हैं तो आपको संपन्न कर देंगे, माला माल कर देंगे, आपको रंक से एक रात में राजा भी बना सकते हैं। और शनिदेव अगर आपके ऊपर मेहरबान है तो आपकी पहचान की किसी को भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। सबसे पहली बात जिससे आप जान सकते हैं कि शनि देव आपकी कुंडली में, आपके जीवन में शुभ है या अशुभ, सबसे पहली बात नाखून बताते हैं कि शनि देव शुभ है या अशुभ। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि का प्रभाव शरीर में हड्डियों पर होता है, हमारी बोन्स पर होता है। शनि जिसकी कुंडली में भी शुभ स्थिति में होते हैं या फिर शनि की दशा से उसे उन्नति मिलनी होती है,
शनि की वजह से अगर किसी को उन्नति मिलती है तो उसकी जो नाखून हैं वो काफ़ी मजबूत होने लगते हैं, या फिर बहुत जल्दी कईयों के नाखून हैं वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं, वो ज़रा सा पानी में हाथ देंगे या कुछ भी करेंगे उनके नाखून एकदम से टूट जाएंगे। लेकिन अगर शनि की दृष्टि अच्छी है तो आपके नाखून काफ़ी ज़्यादा आपको खुद को महसूस होगा कि बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। बालों और नाखूनों का मजबूत होना शनि की शुभ पहचान है कि शनि आपकी जीवन में कुछ शुभ कर रहे हैं। अगली जो बात है कि आपके बोलने का तरीका बदल जाता है। शनि आपकी शुभ दशा में है तो बात बात पर आपका जो तरीका है वो आपको खुद चेंज होता हुआ नजर आएगा, आपकी वाणी में संयम आ जाएगा और आप काफ़ी ज़्यादा सोच समझकर बोलेंगे और अपनी शब्दों पर आपका नियंत्रण होगा। जो भी बोलेंगे उसे घुमा फिराकर नहीं बोलेंगे, जो बात होगी स्पष्ट बोल देंगे, किसी को अच्छी लगे या नहीं लगे ये इस बात से आपको कोई भी मतलब नहीं होगा, मतलब आप बहुत ज़्यादा बोलने में स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएंगे। और ऐसा करने से एक बार तो इंसान आपकी को आप अच्छे नहीं लगते हैं लेकिन बाद में वो मन में सोचता है और बाकी सभी भी आपकी प्रशंसा ही करते हैं और समाज में आपकी जो प्रतिष्ठा है वो बढ़ जाती है। अगली है, खान पान में आपकी रुचि बदलने लगती है। जिन लोगों पर शनि का प्रभाव होता है, शनि अपनी दशा और गोचर में शुभ फल देने वाले होते हैं, वो मांसाहारी और मदिरा के सेवन से खुद ही दूर हो जाते हैं। मतलब कि जो भी ये मांस खाना और मदिरा पान करते हैं वो शनि की शुभ दशा आने से खुद ही उससे दूर होने लगते हैं और उन्हें ये बात धीरे धीरे समझ में आने लगती है, या फिर उन्हें कोई बताता है वो सात्विक और शुभ भोजन करने लगते हैं और उन्हें सात्विक और सादा भोजन ही पसंद आता है। इनमें दया का भाव आ जाता है और दूसरों की सहायता करना इन्हें काफ़ी अच्छा लगने लगता है। अगर आप इन बदलावों को अपने जीवन में समझ लेंगे तो आपको जल्द ही ये समझ में आ जाएगा कि शनि की दृष्टि आपके जीवन पर कैसी पड़ रही है। अब बात करते हैं अगली कि आपको स्थायी संपत्ति से लाभ होने लगता है। आपके पास कोई फ्लैट है, आप काफ़ी टाइम से उसे किराए पे चढ़ाने की सोच रहे हैं, कोई प्लॉट है आप उसे बेचने की सोच रहे हैं, या फिर आपको उस चीज़ का मुनाफा नहीं मिल रहा है, या फिर काफ़ी टाइम से आप किसी ना किसी कानूनी पचड़े में या फिर अपनी संपत्ति को लेकर फंसते जा रहे हैं। शनि शुभ होने पर भूमिहीन और भवनहीन, यानी कि जिनका अपना घर और मकान नहीं है, वह भी जमीन और मकान के स्वामी बन जाते हैं और उन्हें अपनी किसी भी स्थायी संपत्ति से लाभ होने लगता है, उससे उनको इनकम होने लगती है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगती है। शनि आपको इतने ज़्यादा प्रेरित करते हैं कि आप अपनी संपत्ति अर्जित करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा उत्साहित होने लगते हैं। अगली जो बात है कि शनि देव प्राचीनता का प्रतीक माने जाते हैं। शनि प्राचीनता का प्रतीक माने जाते हैं और शनि के शुभ होने पर मनुष्य इनकी दशा में आध्यात्मिक विचारों वाला हो जाता है। यह विषयों की गहराई, मतलब हिस्ट्री को जानने में, इतिहास को जानने में आप रुचि लेने लगते हैं और वो रुचि लेने से अगर आपके मन में उत्तेजना पैदा हो रही है, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं कि आप किसी चीज़ में हिस्ट्री के बारे में जानें, हमारी हिस्ट्री क्या रही है, या फिर आपका ध्यान किसी आध्यात्मिक बातों में लगने लगता है, तो ये समझ लीजिए कि शनि का आपके ऊपर शुभ प्रभाव आने लगा है। अगली है कि शनि देव आपको काफ़ी ज़्यादा कर्म करने वाला बना देते हैं, काफ़ी ज़्यादा कर्मठ बना देते हैं। जिन लोगों को शनि का शुभ फल मिलना होता है, शनि की दशा आने पर वो बहुत ज़्यादा मेहनती हो जाते हैं और कर्मठ बनने लगते हैं, यानी कि
काम को वो किसी भी तरीके से टालते नहीं हैं, जिस वजह से उन्हें आर्थिक परेशानी का कभी भी सामना नहीं करना पड़ता है और वो अपनी लगन से और अपनी तरक्की से धन अर्जित करने में भी सफल हो जाते हैं। तो ये कुछ बातें थी जिस वजह से पता चलता है कि शनि देव हमारे जीवन में शुभ फल प्रदान करने वाले हैं या कर रहे हैं। ऐसी स्थिति, ऐसी बातें अगर आपके जीवन में भी घटित होने लगे तो आप समझ लीजिए कि शनि देव आपके जीवन में अच्छा ही करने वाले हैं और शनि देव आपको शुभ फल ही प्रदान करने वाले हैं। और सभी 12 राशियों के लिए ये वीडियो है कि वो जान सकते हैं कि उनकी राशि के हिसाब से या फिर एक पर्टिकुलर पर्सन के हिसाब से वो अपने जीवन में क्या महसूस कर रहे हैं। तो शनि देव को कभी भी क्रूर देवता नहीं मानना चाहिए। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और भगवान आपकी हर मनोकामनाओं को पूरा करे, आपका दिन, आपका समय मंगलमय हो। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल एस्ट्रो रिया शर्मा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।